मैंने ऑन कर ली है और ये कुछ ऐसी आपको इसकी पोजीशन मिल जाती है, थोड़ी हील्स भी पहनी हुई है, अभी सही से इस पे टिके हुए नहीं। तो 500 cc में हमारे पास एक नई मोटरसाइकिल आ गई है। आज आप ये फ्रेम में देख रहे हैं, ये है ब्लैक और गोल्डन कलर की मोटरसाइकिल जिसका इंजन है 500 cc का। हाल ही में यह मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है और कुछ भी बताने से पहले आपको एक बार देखना है इस मोटरसाइकिल की कलर, या गोल्डन कलर, मतलब आप इसे कह सकते हैं सोने की मोटरसाइकिल। सोने की मोटरसाइकिल नहीं है, गोल्डन कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। इसके अलावा आपके पास दो कलर ऑप्शन और हैं इस मोटरसाइकिल में परचेज करने के लिए, जो कि हैं सिल्वर और ब्लैक और रेड एंड वाइट। अब दो कलर ऑप्शन और भी मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा कलर अट्रैक्टिव लगा वो ये लगा, और इसी के चलते मैं आपके लिए इस मोटरसाइकिल का पूरा डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है भावना चौधरी और आज हम बात करेंगे क्यूजे मोटर्स की तरफ से इस मोटरसाइकिल की, जिसका नाम है SRC 500। तो ये मिलती है इसमें कुछ इस तरह की, और ये फ्लिप वाली की है। इसे मैं ऑन करके दिखा देती हूँ, ये मैंने कर दी है ऑन। अब इस मोटरसाइकिल के बारे में हम इससे पहले की बातचीत करें, सबसे पहले आप देखिए इसकी लाइटिंग, तो ये मैंने कर दी है ऑन, और यहाँ कुछ ऐसी आपको इसमें लाइटिंग दी गई है। पार्किंग लाइट अभी ऑन है। नॉर्मल लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नॉर्मल लाइटिंग आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, यानी आपका जो ये फ्रंट सेटअप दिया गया है, ये सेटअप देखने में काफी क्रूजर मोटरसाइकिल की तरह लगता है। आपको राउंड ही टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, राउंड ही आपको यहाँ पर हेडलाइट दी गई है, जो कि ये पूरा सेटअप आपका एलईडी है। इसके साथ ही थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मरगार्ड देखेंगे, गोल्डन कलर और ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ दिया गया है, और इसमें आपको डिस्क ब्रेक कुछ ऐसा मिल जाता है। एक और अट्रैक्टिव चीज इस मोटरसाइकिल के लुक्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इसके व्हील्स। व्हील्स देखो आप, इसमें 100/90 सेक्शन के 19 इंच की व्हील्स हैं, और इनकी जो सबसे खास बात है वो है अलॉय अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, जिसके चलते इस क्रूजर मोटरसाइकिल का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। अब यहाँ आप ये फ्यूल टैंक देखिए, यहाँ पर आपको टीयर ड्रॉप स्टाइल वाला फ्यूल टैंक दिया गया है। 15.5 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि न्यू लॉन्च बाइक है। हालांकि इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो पहले आपको बनेली की बाइक्स में देखने को मिल जाता था, लेकिन इस इंजन को दोबारा से रिफाइन किया गया है ज्यादा पावर के लिए, तो माइलेज के बारे में अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा बैकेंड में आप आएंगे, अब यहाँ पर सिंगल पीस सीट दी गई है जिसकी कुशनिंग भी काफी अच्छी है। अब ये जो फ्यूल टैंक एरिया है, ये फ्यूल टैंक एरिया आपका काफी वाइड है, जिसके चलते इस मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस है वो भी काफी हैवी लगता है। फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पाइप दिया गया है। यहाँ से आपका ये एग्जॉस्ट देखिए यहाँ तक जा रहा है। अब इस एग्जॉस्ट में एक और चीज मैं अच्छी आपको बता देती हूँ, जब आप मोटरसाइकिल को राइड करते हैं तो एग्जॉस्ट आपका गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पैड दिया गया है फॉर सेफ्टी पर्पस, ताकि ये गर्म हो अगर एग्जॉस्ट, तो राइडर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फ्रंट में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो यहाँ फ्रंट में आपको ये कन्वर्टर दिया गया है। इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन ये आपको दिया गया है ताकि इंजन चलाते चलाते अगर गर्म हो जाता है तो ये उसे ठंडा करने का काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि 500 cc की मोटरसाइकिल है, तो यहाँ आप ये देखेंगे ये आपका इंजन सेटअप दिया गया है। इसमें आपको मिलता है 480 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन। अब देखिए ये आपने फ्रंट डिजाइन देखा है, साइड प्रोफाइल देख लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस मोटरसाइकिल की रियर प्रोफाइल। रियर से आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल का लुक जो है वो काफी स्लीक है। आपको राउंड ही यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। टेल लाइट के लिए आपको छोटा सा प्लेस कुछ ऐसा दिया गया है। ये पूरा सेटअप भी आपका एलईडी है। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, और जो आपका रियर टायर है, फ्रंट टायर था आपका 19 इंच का, रियर टायर इसमें आपका मिलता है 130/80 सेक्शन है इसका, और ये 18 इंच का है। तो ये जो आप यहाँ एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर क्यूजे मोटर की आपको बैजिंग मिल जाती है। इसमें आपको मिलता है 400 cc का इंजन, सिंगल सिलेंडर ये आपका इंजन है, और यह आपकी पावर जनरेट करता है 25 BHP के आसपास, और इसका जो टॉर्क है वो है 34 Nm का। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, और कंपनी ने इसमें डुअल चैनल ABS दिया है फॉर अ सेफ्टी पर्पस। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट में मिलता है 300 mm का डिस्क, और रियर में मिलता है 240 mm का डिस्क।
मोटरसाइकिल पर बैठकर आपको इसकी सीट हाइट मैं एक बार बता देती हूँ, ये मैंने ऑन कर ली है। और ये कुछ ऐसी आपको इसकी पोजीशन मिल जाती है यार, 5'7" के आसपास मेरी हाइट है, बट स्टिल मेरे जो पैर है, मैंने थोड़ी हील्स भी पहनी हुई है, अभी सही से इस पे टिके हुए नहीं है। तो इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm की, और अगर मैं टोटल कर्व वेट की बात करूँ तो 205 kg का इस बाइक का वेट है। और यहाँ पर आप कंसोल देखेंगे, आपको दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई है। बाइक में पूरा रेट्रो फील दिया गया है, आप अच्छे से इसकी रेट्रो वाइब्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे न्यूट्रल फ्यूल की, आपको गियर की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, इसमें सभी डिजिटल है। यहाँ आपको ट्रिप इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फ्यूल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। की प्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है, राइडर के राइट साइड में जो नॉर्मल स्विचेस मिलते हैं हमें, पार्किंग लाइट आपकी, इग्निशन वही ये दिए गए हैं, और लेफ्ट में आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न मिल जाता है। तो ये मोटरसाइकिल की हो गई टेक्निकल चीजें। अब बाइक का जो ऑल ओवर स्टांस है वो काफी लो है। एक क्रूजर मोटरसाइकिल, अगर मिडिल वेट सेगमेंट में आप एक क्रूजर मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली यह है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसका जो व्हील बेस है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वाइडनेस कितनी है, 1440 mm का इसका व्हील बेस दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यह है क्यूजे मोटर्स है, तो क्यूजे मोटर्स जो है पेरेंट कंपनी है बनेली की। बात आती है प्राइसिंग की, यार आपने इस मोटरसाइकिल के बारे में सभी चीजें हमें डिटेल में बता दी है, व्हाट अबाउट द प्राइसिंग? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन कलर ऑप्शंस आपको इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं, ब्लैक और गोल्डन, ब्लैक और सिल्वर एंड रेड एंड व्हाइट। तो इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 2,70,000 रुपये से, जो कि है इसके सिल्वर और ब्लैक कलर के। और अगर आप ये वाला कलर ऑप्शन चूज करते हैं, गोल्डन और ब्लैक या रेड और व्हाइट के साथ जाते हैं, तो इसका एक्स शोरूम आपको पड़ता है लगभग 280 के आसपास। अभी फिलहाल हमें गाजियाबाद में बनेली के शोरूम पे, तो यहाँ इसका जो ऑन रोड प्राइस है आप अंदाजा लगा लीजिए कितना होगा। और अगर आप अपनी स्टेट में या अपनी सिटी में देखते हैं तो प्राइस में डिफरेंस थोड़ा बहुत हो जाता है, 5 से 6 हज़ार के आसपास। तो डेफिनेटली यस, जो क्यूजे मोटर्स है वो चाइना की कंपनी है, और चाइना की जो कंपनी है वो लगातार इंडियन मार्केट में एंट्री कर रही है, अपने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल के प्रति बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो ये थी इस मोटरसाइकिल पर मेरी तरफ से पूरी डिटेल। अभी फिलहाल इसके लिए टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं है शोरूम पे, वरना मैं आपको टेस्ट राइड लेके इसकी पूरी डिटेल आपको बताती। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर एक नए व्हीकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।